हेलो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो गाइस स्वागत है नए वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि गाइस IQ फोन का परफॉर्मेंस 2 साल के बाद कैसा है कैसा नहीं। आप लोग को इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि आप लोग IQ का फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन फ्यूचर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए डिवाइस खोज रहे हो, कोई अच्छे से मिड रेंज डिवाइस गेमिंग के लिए या हो, अगर आप लोग हाई रेंज डिवाइस भी खोज रहे हो, तो आप लोग को इस वीडियो से आइडिया पड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग वो डिवाइस लेना चाहते हैं, कौन सा कंपनी के लिए जाके लॉन्ग टर्म पे वो आप डिवाइस साथ दे, लैग ना करे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा डाउट। और आज की इस वीडियो अगर आप लोग फुल देख लेते तो आप लोग को आइडिया पड़ जाएगा कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्यों आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग IQ डिवाइसेस ले, चाहे वो कोई भी डिवाइसेस क्यों ना हो, मिड रेंज डिवाइस हो या हाई एंड डिवाइस हो। तो चलेगा इस बिना मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे पास जो डिवाइस है वो IQ Z5 डिवाइस है। अगर नहीं पता तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पास IQ Z5 डिवाइस है। और मेरे पास गाइस जब मैंने इस डिवाइस को परचेज किया था लेटेस्ट जब था, और तब के टाइम पे गाइस ये जो डिवाइस का मुझे लगभग से लगभग 20-30 हज़ार का अंदर डिवाइस पड़ा था। और गाइस ये जो डिवाइस है मैं अपना यूट्यूब का मनी से लिया था। जब लिया ना मैं यूट्यूब में जो पेमेंट आया था, तो 2 महीने का जो पेमेंट था उसको लेके मैंने ये वाला डिवाइस खरीदा था। उस टाइम पे गाइस मेरे पास ऑप्शन था बहुत सारा, मैं कोई भी 20 हज़ार के अंदर कोई भी मतलब रियलमी का या कोई भी अदर्स ब्रांड का मैं फ़ोन खरीद सकता था। और इनफैक्ट गाइस मैं उस टाइम पे आईफोन जो 11 था वो भी मैं खरीद सकता था, तब की गाइस मुझे रिफर्बिश्ड फ़ोन मिल रहा था। बट मेरा गाइस जो माइंडसेट है वो अलग टाइप का सोच रखता है। मतलब मैं गाइस मेरा जो माइंडसेट वो अलग टाइप का मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई पैसा दे के जब खरीद रहा हो तो भाई सेकंड हैंड फ़ोन क्यों खरीदो, नया फ़ोन क्यों ना लूँ। तो खैर गाइस इस सब बातों को साइड में रखते हैं, तो मैंने गाइस उस टाइम पे नया नया डिवाइस ये लॉन्च हुआ था 20 हज़ार का अंदर था, बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर दे रहा था। और मैंने गाइस इनफैक्टली गाइस मुझे इसके यूट्यूब पर ज़्यादा सा वीडियो मैंने देखा था इसके बारे में, जो भी देखा था गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा नहीं, सर्च नहीं किया, उसको ऑर्डर कर दिया। देन गाइस उसके बाद परचेस करने के बाद गाइस मुझे पता चलता है कि इस डिवाइस में गाइस चीप लगेगा ही नहीं। खैर ये तो एक डिसएडवांटेज था मेरे लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियो वगैरह खैर 120 स्टोरेज भी काफ़ी है, लेकिन तब पर भी थोड़ा बोरा फर्क पड़ जाता है गेमर्स के लिए, जो रिकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएटर उन लोगों के लिए ये गाइस थोड़ा सा अगर आप लोग का एडवांटेज अगर आप लोग डिवाइस को खरीदते तो चिप वगैरह आपका लगता नहीं है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो भाई आप लोग को कोई 256 GB या उससे ऊपर आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर है तब। और तब के टाइम पे गाइस मैंने इस डिवाइस को ज़्यादा देखा भी नहीं था इस डिवाइस के बारे में उतना, और इसको मैंने जैसे परचेस किया था बट उस टाइम का जो परफॉर्मेंस था और अभी का गाइस परफॉर्मेंस उस पर गाइस थोड़ा सा मुझे ड्रॉप देखने का मिला है। अगर आप लोग उस टाइम पे अगर रियलमी का अगर कोई भी फ़ोन उठा के देख लेते, रियलमी रेडमी कोई का भी 15 से 20 हज़ार के अंदर डिवाइसेस को, अभी गाइस आप लोग उस फोन का परफॉर्मेंस और इस फोन का परफॉर्मेंस अगर आप लोग मैच करेंगे तो इस फोन का परफॉर्मेंस आप लोग को अच्छा देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट गाइस इस फोन का जो कैमरा है अभी भी गाइस लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऑसम कैमरा है गाइस, क्या ही बताए आप लोग को। मेरे पास कुछ सैंपल होगा तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब भाई अब क्या ही बताए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका। तो आप लोग को गाइस इस वीडियो से आइडिया चल गया होगा कि इन फ्यूचर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए डिवाइस खोज रहे हैं ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी अच्छा फ़ोन चले, लैग ना हो और गेमिंग का आप लोग ठीक ठाक वो परफॉर्मेंस दे दे, तो भाई आप लोग इजीली IQ का डिवाइसेस ले सकते हैं। अगर आप लोग 30 हज़ार या 40 हज़ार के ऊपर अगर आप लोग का बजट है तो भाई मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि IQ का फ़ोन ना लीजिए। अगर आप लोग का 15 से 20 हज़ार तक 25 हज़ार तक आप लोग का बजट है, इनफैक्ट अगर 30 हज़ार तक भी अगर आप लोग बजट है तो आप लोग इसको ले सकते हैं IQ का डिवाइसेस। अदर्स ब्रांड को मैं नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि अदर्स ब्रांड का परफॉर्मेंस वो डिक्रीज हो जाता है। और अगर आप लोग को 40 हज़ार के ऊपर अगर आप लोग का बजट है तब पे आप लोग आईफोन की तरफ जाइए, एंड्रॉयड के पीछे मत पड़िए। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो से अगर थोड़ी सी भी डाउट क्लियर हो गया तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और गाइस वॉइस ओवर करने में थोड़ी मोटी जगह से मेरी दिक्कत आता है तो उसको गाइस थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, बहुत देर बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में इतना। आप ये वीडियो थोड़ा सा अच्छे लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलते हैं गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।